लॉकडाउन ना बीजा तबक्का दरमियान मर्यादित स्टाफ साथ सरकारी कचेरी में कामगिरी शुरू करता भरूचनी एलआईसी शाखा पर लांबा समय बाद खुली थी। भरूच में देशव्यापी लॉकडाउन पगले तमाम धंधा रोजगार सहित इन्स्योरंस ऑफिसो बंद थी। सोमवार लॉकडाउन में आंशिक छूटछाट आपता भरूच एलआईसी की शाखा पर मर्यादित स्टाफ साथ कार्यरत करती। शाखा में प्रीमियम चेक कलेक्शन माटे ड्रॉप बॉक्स मुकवामां आव्युं हतुं, जेमां चेक ड्रॉप करवामां आव्या बाद आगामी दिवसों में प्रीमियम रसीदों ग्राहकों ने आपवामां आवशे। भरूच एलआईसी शाखाना तमाम कर्मचारी मास्क अने ग्लव साथे सेनेटाइजर की बॉटल साथ फरज पर हाजर रहेवा साथे सोशियल डिस्टन्सिंग पण जळवाई रहे ते रीते काम करी रह्या हता। भरूच एलआईसी शाखाना मैनेजर दीपेश परवानीए माहिती आपी ग्राहकों ने सहकार आपवा अनुरोध कर्यो हतो। बैंकों बाद हवे इन्स्योरंस ऑफिस पण कार्यरत थवा लागता नाणाकीय संस्थानो पूर्ववत थई थोड़ा समय में कोरोना संक्रमण की असर में बाहर आ जाए तेम लागी रह्यु छे। हमारे केंद्रीय कार्यालय और मंडल कार्यालय के निर्देशानुसार आज 20 अप्रैल 2020 से हमारी जो शाखा की सामान्य गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से नियमित रूप से पूर्व की भांति चलाने के लिए आदेश दिए गए हैं। कहीं उसके साथ में निर्देश दिए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मास्क और ग्लव्स को अनिवार्य किया गया है और कस्टमर्स की ग्राहक बंधुओं की ज़्यादा भीड़ न लगे उसके लिए ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था की गई है, चेक जिसमें जमा किए जा सकते हैं, कैश काउंटर जो चालू किए जाने के निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं और कस्टमर की जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए विशेष रूप से ये निवेदन है कि जो ग्राहकों का पेमेंट दिया जाना है जो क्लेम के पेमेंट किए जाने हैं उसके लिए हमारी शाखा पूरी रूप से पूरी तरह से तैयार है और हमारे जो पेमेंट्स हैं वो इतने लॉकडाउन के बावजूद भी सुचारू रूप से चालू हो चुके हैं। सभी ग्राहकों को सारे भुगतान समय से मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही जिन ग्राहकों के भविष्य में भी भुगतान आने की संभावना है अप्रैल में मई में जून में वो भी अपने जो कागज़ हैं जो पेपर्स हैं पॉलिसी बॉन्ड है डिस्चार्ज वाउचर है शाखा से कलेक्ट कर सकते हैं। जिनके लोन सरेंडर्स के पेमेंट हैं वो लोग भी शाखा से संपर्क करके अपना जो पेमेंट है वो ले सकते हैं। ब्रांच पूरी तरह से शुरू की जा चुकी है, नया व्यवसाय भी हमारा कुछ दिनों में पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। अभी कई कस्टमरों की एजेंटों की हमारी तरफ से इंक्वायरी भी आ रही थी कि भाई कब से शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कस्टमरों को LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के जो हमारे विश्वास जो जिन्होंने किया है हमारे संस्था के ऊपर उन लोगों को एक बार फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कस्टमरों के जो रेगुलर पेमेंट्स हैं उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। उनको पूरी तरह से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि भुगतान समय से प्राप्त होगा। दूसरा, जिन कस्टमरों की प्रीमियम ड्यू हो चुकी हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो पेटीएम है फ़ोनपे है गूगल पे है ऑनलाइन LIC की पोर्टल पे जाके आप भुगतान कर सकते हैं प्रीमियम का। उसके अलावे जो लोग इन सब माध्यमों का उपयोग नहीं कर रहे हैं वो लोग कैश कलेक्शन वो लोग अपना चेक ब्रांच में जमा कर सकते हैं और जो नहीं जमा कर पा रहे हैं उनके लिए LIC ने 30 दिन का विशेष अनुग्रह दिवस और दिए हैं, 30 दिन का रिलैक्सेशन और दिया है। तो कस्टमरों को किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। शाखा इस बारे में पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर